तो एलिफेंट कैसे हैं आप दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं वन यूआई 5.0 के कुछ ऐसे हिडन फीचर बताने वाला हूं, या फिर बोल सकते हैं कुछ आपको फीचर बताने वाला हूं वन यूआई 5.0 के। इससे पहले भी मैंने वन यूआई 5.0 के लिए वीडियो बनाई जिसमें मैंने कुछ फीचर्स बताए थे, आज मैं आपको उसके हिडन फीचर बताने वाला हूं। छोटी सी वीडियो बताऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं लूंगा क्योंकि फीचर तो बहुत सारे हैं, बट मैं कुछ ही फीचर बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। मैंने बताया मैं आपको कुछ हिडन फीचर बताने वाला हूँ वन यूआई 5.0 के। तो सबसे पहला हिडन फीचर है वो है आपका पॉपअप व्यू को लेके, या फिर बोल सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन व्यू को लेके। तो मैं आपको ले जा रहा हूँ पहले तो कोई सी भी ऐप में जिसको भी आपको खोलना है, लाइक मैंने यहाँ सेटिंग खोल ली, अब मुझे उसको पॉपअप व्यू में करना है। पॉपअप व्यू में खोलना है तो मुझे पहले उसको यहाँ से यू करना पड़ेगा, फिर जाके मैं उसको पॉपअप में खोल पाऊंगा। बट एक यहाँ पर आपको एक ऐसा ही सेटिंग दे दी गई है, बोल सकते हैं एक हिडन गैजेट दे दिया गया है जिसके द्वारा आप सिर्फ 1 सेकंड में ही इसको आप यहाँ पर पॉपअप में कर पाएंगे। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ से ऊपर से ड्रैग करा और ये पॉपअप में आ गया। आप चाहे तो कहीं भी इसको उठा के दे सकते हैं, और चाहे मैं यहाँ से भी करूँ तो भी ये पॉपअप में आ गया है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर यही है, यहाँ पर पॉपअप व्यू में यूज करने के लिए आपको गैजेट का यूज दे दिया गया है। दोस्तों जो सेकंड जो फीचर बताने वाला हूँ वो है स्प्लिट स्क्रीन व्यू का। जैसे कि आपने अभी देखा मैंने आपको पॉपअप व्यू के लिए बताया, इसको बताऊंगा कि कैसे इसको आप ऑन करेंगे। अभी आपको एक और फीचर बताने वाला हूँ जिसका नाम है स्प्लिट स्क्रीन व्यू। अब आप स्प्लिट स्क्रीन व्यू भी कर सकते हैं एज अ गैजेट, वो भी विद इन सेकेंड। कैसे, आपको 2 फिंगर से ऐसे यहां से स्वैप करना है और आप देखेंगे यहां पर आपका गैजेट ओपन हो चुका है और आप इसको यूज कर पाएंगे बहुत ही अच्छा तरीके से। ये वाला फीचर को आप यहां पर ऑन कर पाएंगे। ये भी आपको अभी वन यूआई 5.0 में मिलेगा, पहले ये फीचर नहीं था, अभी वन यूआई 5.0 में ही इसको रोल आउट किया गया है। तो इसको ऑन करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको सेटिंग पे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ जाना है एडवांस फीचर्स पे, एडवांस फीचर में जाना है आपको लैप्स में, लैप्स में जाने के बाद आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू और नीचे मिलेगा स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन। आपको दोनों के वहां पर आपको वो भी बता देगा कि कैसे आपको इसको इनेबल करना है, आपको वहां पर इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लाइक पॉपअप व्यू में करना है तो मुझे यहाँ कॉर्नर से यूं स्वाइप करना है और ये यहाँ पर हो जाएगा। लाइक जैसे यहाँ पर हूँ, मुझे कॉर्नर से यहाँ पर इस लैब में नहीं चलेगा, सेटिंग में आऊंगा तो ये यहाँ से बाहर आऊंगा और ये चालू हो जाएगा। तो आप ऐसा इसको यूज कर पाएंगे। ऐसे स्प्लिट स्क्रीन में करना है तो आपको ये 2 स्क्रीन में करना है, उसके बाद यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड फीचर बताने वाला हूँ दोस्तों, जो थर्ड फीचर है वो है कैमरे से रिलेटेड, और कैमरे में बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स को एड ऑन किया गया है। मैं आपको यहाँ पर हिडन फीचर बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है, आपको जूम के ऑप्शन दे दिए गए कि आप यहाँ पर इजीली जूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर जूम के ऑप्शन दे दिए गए। उसके बाद जो यहाँ पर सेकंड जो फीचर दिया गया है, या बोल सकते हैं फोर्थ जो फीचर दिया है, यहाँ पर इफेक्ट्स के रिलेटेड आपको बहुत अच्छा दी गई कि आप यहाँ पर इफेक्ट्स में बना सकते हैं, या इफेक्ट क्रिएट करना हो तो यहाँ पर प्लस में जाके आप इफेक्ट को क्रिएट और डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फीचर दिया गया है यहाँ पर सिंगल टैग के लिए। जैसे ही आप यहाँ सिंगल टैग पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि सिंगल टैग पे आपको पहले बूम मारो क्लिप्स हो, फिल्टर्ड पिक्चर्स हो या क्रॉप शूट्स हो, तो आप यहाँ पर जो भी आपको लेना हो यहाँ पर आप सेट आउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट अच्छा फीचर यहाँ पर दिया गया है वो है प्रो मोड के अंदर। अब यहाँ पर प्रो मोड, या अगर आप फोटोज में हो या वीडियोज में हो, जब भी आप प्रो मोड पे जाएंगे तो वो आपको वहां पर सजेशन दे देगा। लाइक मान लो मैंने यहाँ पर ये फोकस पे आया, अब यहाँ पर आपको आई का बटन मिल गया, मतलब आपको टिप बता देगा कि आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आया ऑटो फोकस क्विकली एडजस्ट टू एनी स्कीम और सब्जेक्ट इवन इफ यू आर दे मूव, मैनुअल फोकस गिव योर प्राइस कंट्रोल अवर विद इन फोकस। तो यहाँ पर जैसे कि आप कुछ भी अलग अलग करेंगे तो आपको वो टिप बता सो में क्या होता है, ये काई के लिए होता है, तो आपको यहाँ पर पूरी एक एक करके टिप बता देगा और आप उसके अच्छे से उसके द्वारा आप इसका यूज कर सकते हैं। आप दोनों में इसका काम आपको सपोर्ट करेगा, फोटोज में और वीडियोज में भी सब जगह आपको ये सपोर्ट करेगा। तो ये फीचर भी अच्छा यहाँ पर दे दिया गया है। साथ में यहाँ पर एक वाटरमार्क का भी ऑप्शन दे दिया है, सेटिंग पे जाएंगे तो आप वाटरमार्क को पूरा डिलीट कर सकते हैं। लाइक आपको कस्टम वाटरमार्क बना सकते हैं, पहले जो सैमसंग का आता था आप वो हटा के अपना नाम पूरा लिख देंगे तो वहां पर सैमसंग आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये फीचर भी यहां पर एड ऑन किया गया है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर दिया गया है वो है आपका सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाएंगे, यहां पर सेटिंग पे जाने के बाद यहां पर आपको रिंगटोन्स में जाना है या साउंड्स वाले वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। यहां पर जाएंगे आप रिंगटोन्स वाले ऑप्शन पे। अब यहां पर आपको क्या दे दिया गया है, जब भी आप कोई रिंगटोन सेट करेंगे तो आप यहां पर उसका
इस रिंगटोन को यहाँ पर वॉल्यूम सेट आउट कर सकते हैं कि कोई सा भी अगर आप कोई रिंग लगाएंगे तो उसकी वॉल्यूम चेक करना हो तो आप यहाँ पर क्लिक वहां से पहले ही चेक कर लेंगे ताकि वॉल्यूम आपका सही साउंड आए। पहले आपको क्या होता था सेट करने के बाद आपको वहां पर जाके चेक करना पड़ता था वॉल्यूम को, बट आप दोनों को आप साथ में ही यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर यहाँ पर एड ऑन किया गया है। वन यू आई 4.0 में आपको वहां पर रैम का ऑप्शन दिया था, रैम प्लस का। वहां पर आप क्या कर सकते थे, जो आपकी डिवाइस की मेमोरी होती थी उसको आप अपने रैम प्लस में कन्वर्ट कर सकते थे ताकि आपका मोबाइल यूज ही चले। बट अगर हमें उसको डिलीट करना होता तो हम डिलीट नहीं कर सकते थे, या फिर हमें वो ऑप्शन को हटाना होता नहीं हटा सकते थे। बट यहां पर ये ऑप्शन आपको दे दिया गया, आपको जाना है वापस यहां पर सेटिंग में आने के बाद डिवाइस एंड बैटरी एंड डिवाइस केयर में। वहां जाने के बाद आपको जाना है यहां पर मेमोरी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहां पर जाना है यहाँ पर रैम प्लस में। अब यहाँ पर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, पहले ये ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आता था, अब आपको यहाँ पर ऑफ करने का भी ऑप्शन दे दिया गया है। जब भी आप इसको ऑफ या ऑन करेंगे तो आपको अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो ही ये वर्क करता है। तो ये फीचर भी यहाँ पर कमाल का दे दिया गया। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट फीचर बताने वाला हूँ वो है वाईफाई से रिलेटेड। अगर हम कोई वाईफाई पर अगर कनेक्टेड है तो हमारे पास वाईफाई की स्पीड कम आ रही है या फिर हमें वाईफाई से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स देखना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको कनेक्शन पे यहाँ जाना है, वाईफाई पे यहाँ जाना है, थ्री डॉट्स पे यहाँ जाना है, इंटेलिजेंट वाईफाई पे। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ इंटेलिजेंट वाईफाई का जो वर्जन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है 6-7 टाइम। आपको नीचे डेवलपर का ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे आप देखेंगे वाईफाई डेवलपर ऑप्शन मिल रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर करने के बाद आपको यहाँ पर कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कितना कनेक्शन का इन्फॉर्मेशन है सब यहाँ पर मिल जाएगा। वाईफाई और उसका पूरा स्टेटस देखना हो तो आपको पूरा यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा यहाँ पर, और पूरी चीज आप यहां पर सेट आउट कर सकते हैं। पूरी जो आपको डिटेल देखना हो यहां पर आपको पूरा यहां पर दिख जाएगा, जितने भी आसपास आपके दिख रहे होंगे सब आपको यहां पर बता देगा कितने हर्ट्ज पर चल रहा है, पूरी स्पेसिफिकेशन आपको यहां पर सब मिल जाएगी। तो ये फीचर यहां पर एड ऑन किए गए हिडन फीचर जो कि मैंने कुछ बताया आपको। उसके अलावा भी बहुत एड ऑन किए गए, मैं धीरे धीरे सब कवर करूंगा। अभी जो मुझे लगे यूजफुल मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। भाई मेरे चैनल को लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत किया करो। वीडियो तो पूरी देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपने भी यहां तक वीडियो देख ली है तो प्लीज यार सब्सक्राइब को जरूर कर लेना, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करके भी दे सकते हैं, या हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी DM करके भी दे सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।